सो डियर आइए स्टार्ट करें डिस्कशन ऑफ द सैंपल पेपर्स एज गिवन बाय सीबीएसई। चलो जो भी है, और अपना कॉपी और पेन रेडी कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा। ये न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में है, कॉपी पेन रेडी करिएगा। चलिए लिखिए फिर बेटा। पहला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कंकेव मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कंकेव मिरर। ये आपको बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कंकेव मिरर। और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर्स। एफ आपको फोकल लेंथ बेटा 10 सेंटीमीटर दिया गया है कंकेव मिरर का। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द मिरर एंड द फोकस, एट द फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्यों? आई होप हमने कल भी ऐसा किया था एक, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको मिरर नो डाउट उन्होंने कंकेव दिया गया है, फोकल लेंथ इसकी 10 है। इसका मतलब है कि आपका अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है तो ये ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी आपके आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां पे पड़ा है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी वहीं पे बनता है। आपने रे डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, इस केस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। ये आपका कंकेव मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है इमेज भी यहां पे बन जाता है, लेकिन हमने होली सोली रे डायग्राम पर रिलाई नहीं करना। जो आपको डेटा दिया गया है इसको फिल करके निकालो तो सही कि वी कितना आता है करके देख लो। पक्का? यस। हाउ मच? व्हाट इज वी इक्वल टू? फार्मूला क्या है जल्दी बोलिए। मिरर फार्मूला बच्चों, आपको वी निकालना है बच्चों। जो चीज आपको निकालनी है उसको लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करिए। वन बाई वी, वन बाई यू माइनस वन बाई एफ हुआ। चलो भी चलो, ये आ गया, ये उल्टा कर दीजिए। V आ जाएगा U into F upon F minus U, पुट करिएगा। डियर चिल्ड्रन, हो गया आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल ये? तो फिर बेटे करो ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं सॉल्व करने को। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट इट। हाँ भाई कितना आया? आप पहली सीट पे बैठे हो। कॉपी पेन दैट शुड बी वर्किंग। बेटे सबका आ रहा है वी 20 के नहीं आ रहा पुत्र? माइनस का आ रहा है कि प्लस का? थम्स अप फॉर यू देन। चलिए आगे चलते हैं। छोटा सा है ये, विदाउट एनी कैलकुलेशन है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड, नंबर वन, एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, नंबर टू, एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नंबर थ्री, एट हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नंबर फोर, बिहाइंड द मिरर।
वेरी राइट, इट शुड बी बिहाइंड द मिरर बिकॉज कन्वेक्स के केस में मिरर आपका मिरर के दूसरी साइड पे बना करता है। थर्ड वन पुत्र प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सॉल्व करना होगा थर्ड वन आपको बेटा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, द इमेज अपीयर्स 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड, एट ऑप्शन दी हुई है 24, 11, -11, -24। कन्वेक्स मिरर है, माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, बाकी दो रह गई हैं 11 और 24, वो आप कैलकुलेट करके ही बता पाएंगे। दिस वाई स्टैंड अप, उठ जाइए, उठोगे तभी बोलूंगा, मिरर फार्मूला बोलिए। आप बोलो, आप आपको आता है तो, नहीं तो उससे तो मैं पूछ ही लूंगा, आप अपना बोलो, आता कि नहीं आता, आता है तो भी बोलो, नहीं आता तो भी बताओ। बोल बच्चे, नहा ना ना, बैठ जाओ। हाँ जी पुत्र, अभी तो लिखा था हमने, बैठो। मतलब आप बोल रहे हो, हमारी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, रास्ते में रह गई है वो। वन बाई एफ इज इक्वल टू 1/v + 1/u बेटा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 40, दिस इज -40 बिहाइंड द मिरर, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव बच्चों, पॉजिटिव, इट इज 15 सेंटीमीटर्स, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, इट विल बी वी इंटू यू, यू प्लस वी, उल्टा कर दीजिए बेटा, इट विल बी वी इंटू यू प्लस बी आ जाएगा नीचे बेटा। इतना इतना टाइम अगर आप कैलकुलेशन पे लगाओ ना, आप वो कहां पहुंच जाए आगे, कितना 24 सबका ही आ रहा है बेटा, बिल्कुल ठीक है जी, इट इज 24 सेंटीमीटर। मैं मना नहीं करता, कर सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर ये है कि थोड़ा सा गलती से बचिएगा, कई बार फ्रैक्शंस में गलती हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। देन हाँ जी, हाँ जी, नहीं इधर उधर थोड़ी होना चाहिए, वो तो फिर आपका गलत हो गया बेटा, बैठिए सेम सेम। नो मैटर, सुनने वाला है लिखने वाला नहीं है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी ओनली प्लेन, ओनली कनकेव, ओनली कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, बिकॉज कन्वेक्स में तो सीधा ही बनेगा, प्लेन में भी हमेशा आपका इरेक्ट ही बनेगा, कनकेव में एक केस बनता है, वो यहाँ पे उसके बारे में बात उन्होंने नहीं की हुई। देन डियर एक और है नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, विद इन द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ से कम है, यस, एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ये तो आपने बना के देखा हुआ है, वर्चुअल बनता है, द इमेज इज, वही पूछा उन्होंने, रियल है, इन्वर्टेड है,
वर्चुअल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वेरी नाइस, गुड। आप सब जानते हैं, फिर भी चलते हैं आगे। प्रॉब्लम नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कंकेव मिरर। आपको कंकेव मिरर दिया गया है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं साइन कन्वेंशन की वजह से। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कंकेव मिरर हूज फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? वेरी राइट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? पहला ऑप्शन है, कैलकुलेट कर लीजिए, उन्होंने कैलकुलेशन ही लिखी हुई है। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? बी फॉर्मूला पुत्र। हाँ जी, आपको ही पूछ रहा हूं फॉर्मूला। मिरर है, जान से बोला कर भाई, इतना बड़ा है तू है। 1/f इज 1/v प्लस 1/u, राइट बेटा? आपको बच्चों v निकालना है। 1/v 1/f माइनस 1/u होता है, राइट? और ये डियर चिल्ड्रन f इंटू यू, यू माइनस f आ गया। और बच्चों आपको v चाहिए था, u इंटू एफ अपॉन हाउ मच? 100 आ रहा है, देखें अभी कि नहीं। यस, 100 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मैं यही कहता हूं बेटा, जैसे आपका अब आवाज आ रहा है इस टाइम पे, बेटे मैं अब देखो आप आवाज आ रही है ना, ऐसे आनी चाहिए, ऐसे ही चाहिए। बट एट द टाइम व्हेन आपको कुछ पूछा जाए, तब आपकी आवाज डिप नहीं कर जानी चाहिए। चले आगे। आप चुप रहो। एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कंकेव मिरर 20 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस निकालना है, माइनस का 20 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका ट्वाइस ऑफ द एफ पे पड़ा है और आपने प्रेजेंटली अभी अभी ऐसा प्रॉब्लम एक किया भी है। चलिए आगे चलें देन बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है हाँ जी बेटे, ठीक है, माइनस आएगा बेटा, उसी साइड पे बन रहा है ना, थोड़ा सा बेटे आपका कुछ नहीं होगा, नहीं काम ऐसे जैसे आप कर रहे हैं। आपको नहीं कह रहा, पीछे कह रहा हूं, आपको नहीं, आपको भी साथ ही कह रहा हूं, अगर आप ऐसे बातें करते रहोगे तो कुछ नहीं आता आने वाला, उसको रहने दो आप, उसका हैबिट है। मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा हूं, फिर वही बात। थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिए, कोई बात नहीं। ए वर्चुअल इमेज, प्रॉब्लम नंबर 9 है।
ए वर्चुअल इमेज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज थ्री टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज इज ऑब्टेन्ड विद ए कंकेव मिरर, इज ऑब्टेन्ड विद ए कंकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज रिक्वायर्ड, यू निकालना है आपको। सुनिएगा फिर से, वर्चुअल इमेज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाई ए कंकेव मिरर whose radius of curvature is 36 centimeters, calculate the object distance। ये आप करोगे सारे बच्चे मिलके करोगे, concave mirror है बेटा, concave mirror है, इसका virtual image बना तीन गुना object के size के, और radius of curvature 30 है, आप minus 36 लोगे, sign conventions कहती हैं, कहाँ पे object पड़ा है, this is needed to be worked out। ऑप्शंस नहीं आपको देनी, फिर तो आपको आप अपना करो, ऑप्शन क्यों देनी आपको, न्यूमेरिकल है ये, पेपर में आ जाएगा ऑप्शन, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाउ मच हो गया, कर रहे हो कि देख रहे हो, अभी सोच रहे हैं, 32 भाई ऐसा तो नहीं है, बोलो नहीं बोलना, अच्छा भी किया नहीं, यस यही आ रहा है, अलग अलग आ रहा है सबका आपका, मैग्निफिकेशन होता है जो मैं रिपीट करूं एक बार पहले तो प्रॉब्लम को, ए वर्चुअल इमेज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद ए कंकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस मच, इसका मतलब है इसकी फोकल लेंथ जो है इतनी हो गई, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू होता है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इसका मतलब है एम तीन आ गया, ये आ गया, बी आपका माइनस थ्री टाइम्स यू आ गया, इट इज माइनस 12, ठीक है बिल्कुल गुड, नहीं 12 नहीं माइनस होगा बेटा, नेगेटिव होता है ना हमेशा, और वन बाई एफ इसके बराबर हुआ करता है, और ये आ गया, अब कितना आया बेटा, आ रहा है सबका, बेटे ऐसे नहीं बैठते क्लास में, ऐसे नहीं क्लास में बैठते, वन बाई यू इज इक्वल टू एफ इंटू वी, वी माइनस एफ, बेटा उल्टा कर देंगे, आ गया 12 सबका, हाँ वही बेटा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा किसका नहीं आया, फिर मैं सॉल्व कर दूंगी, तो आगे वैल्यूज ही पुट करनी है वैसे तो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट नाउ बेटा, बेटे छोटी सी कैलकुलेशन है परफॉर्म कर लीजिए और बताइए आपका आ गया कि नहीं पुत्र, सारे बच्चों का, ओ बैक साइड पे बच्चे बैठे हैं नहीं काम कर रहे हैं आप,
आप कुछ और ही खोल के बैठे हैं बेटे, इसको सॉल्व कर लो पहले, बाद में अपना ये पढ़ना जो भी पढ़ रहे हो। सबका आ रहा है उत्तर? ओके देन चले आगे। अब देन बेटा प्रॉब्लम नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखें आपको ये अपने कौन सा टॉपिक निकाल के दिया गुड़िया। चलिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाई द मिरर इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बी आपका 30 सेंटीमीटर हो गया, पॉजिटिव लेंगे ना, बिहाइंड द मिरर है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स मैग्निफिकेशन, आपको एम पूछा गया है। इट इज 0.5 आ जाएगा, सीधा ही है ये तो। और फोकल लेंथ भी निकाल लीजिए जल्दी से, 60 देख लिया करके। मैग्निफिकेशन स्टैंड अप, फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन इन द मिरर्स 1/, ये नया बना है। बोलो बोलो शाबाश, बोलते टाइम थोड़ा नीचे कर लिया करो, फिर बाद में इसको ऊपर कर लो। सुनाई नहीं दे रहा, मास्क नीचे करके बोलिए। -V/U, वेरी राइट बेटा, गुड। m = -V/U, m = ये आ गया 1/2 आ गया जी, इट इज 0.5, वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया। चलें आगे, चलें बच्चों आगे। हाँ हाँ चल रहे हैं। इसके बाद ये तो क्वेश्चंस आपके बेटे हो गए खत्म, एक बचा, एक और है। 10 mm लॉन्ग, जरा नोट करिएगा, रुक जाओ जरा। 10 mm लॉन्ग पिन चले कि रुक जाए। 10 mm लॉन्ग पिन is placed vertically in front of a concave mirror. 11 number problem है, concave mirror है बेटे। 10 mm long pin का मतलब है आपको क्या दिया गया है, object का size है h1। 10 mm, a 10 mm long pin is placed vertically in front of a concave mirror. a 5 mm long image of the pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. H2 आपको दे दिया है 5 mm in front of the mirror का मतलब है माइनस का आ गया, और ये भी माइनस का होना चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड, F निकालना है आपको, करिए करिए। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एम एम
नहीं, वी सेंटीमीटर में ही है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ये एमएम में है, ये मिलीमीटर में है दोनों, ये सेंटीमीटर में ही है, इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कट जाएंगे ना बेटा जब आप रेशो लोगे ना, यूनिट्स कट जाएंगे। फोकल लेंथ चाहिए आपको, यहां तो कुछ और आ रहा है। A 10 mm long pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image is obtained at 30 cm in front of the mirror. Focal length of the mirror is required. Ye dear children, listen. There is very important message from Madam Principal side for you. Entry after 8:20 will not be allowed in the school tomorrow onwards. Entry after 8:20. क्या? कल के बाद ही कह रहा हूँ मैं भी. After tomorrow कह रहा हूँ. Entry after 8:20. कल के बाद नहीं होगी। सो ट्राई टू बी इन टाइम ऑल ऑफ यू बेटा, टाइम पे पहुंचिएगा। राघव कितना आ रहा है? यस गुड, वेरी गुड, -20 इज द करेक्ट आंसर। आ गया सबका? वी पॉजिटिव कैसे आएगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उन्होंने कहा है। प्लीज स्टैंड अप, अब बोलिए, इसको नीचे करके बोलिए। बेटे जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है इमेज उसी तरफ ही है ना, तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे आपके। देखिए करके, ऐसा हो नहीं सकता। इट शुड बी, रीचेक करो एक बार अपना कैलकुलेशन, कहीं पे कोई हो गया होगा साइन का। बेटा एक बार रीचेक कर लीजिएगा, आ जाना चाहिए। आपको बहुत बार मैं समझा चुका हूं लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, आपको तो बोलना ही नहीं आता। आप लोग भी दोनों, और आपको मैं कहता नहीं हूं, आपको मैं कहता ही नहीं है। आप करो जो करना है। मैं कर दूं बेटा, आपके पास देखो बेटा मैग्निफिकेशन जो है -V/U के बराबर है ना, और मैग्निफिकेशन आपका बेटे H2/H1 के बराबर भी होता है, राइट। -5/10 -1/2 V/U आपका जो है -1/2 हो गया, और आपको U निकालना है, इट इज ट्वाइस V, राइट, एंड U इज इक्वल टू -60 इज देयर। अब आप बेटा फोकल लेंथ के लिए अपना फॉर्मूला बोलना जरा बेटा, मिरर का उठ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे बोला करो, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस, है ना। F चाहिए आपको? हाँ जी, क्या कहते हो? आवाज आ रही है लेकिन। B कितना था? -30 -60 नहीं,
ऐसे आया, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया। अरे ऐसा ही है, ये आ तो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कई बार हो जाती है गलती, लेकिन आप अपनी गलती से सीख लें तो देट शुड बी गुड। माइनस 30 क्यों आ रहा है, आप एक बार रीचेक करके देखो। बैठो शाबाश, एक बार रीचेक करके। बेटा डोंट बी इन्वॉल्व इन टॉकिंग, आप दोनों और आप क्यों बोल रहे हैं, वो आपको तो सारी दुनिया बुलाएगी। प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड, आप मत बुलाइए किसी को भी, और आप बिना वजह मत बोलिए किसी से भी। देखो बोले, या फिर बोले, देखो फिर मत बोलो ना, आप नहीं बोलना बेटा, जब तक आपसे नहीं पूछा जाता मत बोलिए। चले आगे, आपने रीचेक किया अपना कैलकुलेशन वर्क, बी क्विक देन। एक दूसरे को कहते रहा करो। हेलो, थैंक यू ऑल।